राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम लंका विजय भाग 1। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रहीं। सभी तत्पर, सभी उद्यत। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया युद्ध के बारे में। कहा, युद्ध भयानक होगा। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। जो दुर्बल हैं यही रुक जाएं। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए, रक्षा और आक्रमण के तरीके। सेना किष्किंधा से दहाड़ती, गरजती, किलकारियां भरती रवाना हुई। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल। वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते चले जा रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे, सुग्रीव के सेनापति। जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। ये सेना की रणनीति का हिस्सा था। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। वही पर्वत जहां से हनुमान ने छलांग लगाई थी। समुद्र निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया, तंबू लगे, पताकाएं हवा में लहरा रही थीं। उधर लंका में खलबली मची हुई थी, राक्षसों में बेचैनी थी, उनके मन में डर बैठ गया था। राम की शक्ति को लेकर, जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है, वो स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नगर में चर्चा का विषय यही था, लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। उसे कौन बताता, किसी में इतना साहस नहीं था। ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी, नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती, उसकी पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए उसे सही स्थिति बताने, समझाने, राम से युद्ध न किया जाए। उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दे, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी, उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में वो स्वयं भी उठकर चल पड़ा सभा कक्ष की ओर। उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। सैनिकों ने
राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थीं। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे, बोलते रहे, सीता आपके गले में बंधा सांप है, वो आपको डस लेगा। इसे छोटी बात मत समझिए लंकाधिराज, ये संकेत महाविनाश के हैं। मैं अब भी कहता हूँ सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाए। तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो, निकल जाओ, निकल जाओ यहां से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। दुर्भाग्य। रावण सभागार की ओर मुड़ गया, विभीषण पीछे, दोनों के रास्ते अलग हो गए। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए 4 सहायकों के साथ। उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मची। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था। हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचा दें। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, विश्वास था, शब्दों में षड्यंत्र नहीं था, कातरता थी, याचना थी। सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया, मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया। मैं प्राण बचा कर आया हूं, एक बार राम से मिलवा दें, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका अब भी थी, अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। राम ने बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता, ये मेरी नीति है। विभीषण को आदर से अंदर लाइए। विभीषण राम के पास पहुंचे। राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा। जल्दी ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी। रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया, कहा, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि
दोनों की आवश्यकता है। विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है। राम ने कहा। राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुद्र। उसे कैसे पार करें? राम ने समुद्र से विनती की। तीन दिन बैठे रहे कि समुद्र रास्ता दे दे। वो नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सलाह दी। आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वो पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। नल ने अगले ही दिन काम प्रारंभ कर दिया। पुल बनने लगा। वानर कंकड़, पत्थर, शिलाएं लाते रहे। नल पुल बनाते रहे। पांच दिन में पुल तैयार हो गया। समुद्र को दो टुकड़ों में बांटता हुआ, उसका घमंड चूर करता हुआ, सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए, पीछे पीछे वानर सेना। सेना का अगला शिविर दूसरे तट पर बना। असंभव! रावण क्रोध से चीख उठा। समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, भय भी। लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं। उसने आदेश दिया, सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा है। अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थी। उनका आमना सामना होना शेष था। आक्रमण की तैयारी थी, रणनीति बन चुकी थी। पहले आक्रमण की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था। राम ने अपनी सेना को चार भागों में विभक्त कर दिया। लंका के चार द्वार थे, चौतरफा आक्रमण होना था। हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया। लंका के वैभव से वे भी चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। वानर सेना जयकार करती चल पड़ी। जय श्री राम! जय!
राम ने अंगद को बुलाया, कहा, अंगद तुम लंका जाओ मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत होगा। अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहां से बचकर राम के पास पहुंचे, कहा, रावण को कोई पश्चाताप नहीं है प्रभु, वो हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है, युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे, राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, चीत्कार कर रहे थे। रावण के जय घोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। भयानक युद्ध हुआ, हर ओर दहला देने वाला शोर, हाथियों की चिंघाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल। रथ हवा से बातें कर रहे थे, तलवारें खिंच गई थी, बाणों से आसमान भर गया था, भाले उड़ रहे थे, दोनों ओर के कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। धरती लाल हो गई थी, क्षत विक्षत शव बिखरे थे। कराहते घायलों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। शाम होने को थी। मेघनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। मेघनाद ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया। राक्षस उत्साह से आगे बढ़े। मेघनाद की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी। वो छिपकर युद्ध करता था, मायावी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे।
दोनों वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद ने समझा काम हो गया। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया। वो मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ा रावण को इसकी सूचना देने। रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए। वे चिंतित थे अशुभ की आशंका से। विभीषण ने दोनों का उपचार कराया। उनकी मूर्छा टूटी। वे खड़े हुए तो वानर दल हर्षध्वनि करने लगा। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार। रावण की सेना के महाबली एक एक कर मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया। वज्रद्रष्ट धरती पर गिर पड़ा। अकंपन कुचल कर मर गया। प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को इसकी सूचनाएं मिलती रही। वो घबरा गया। वो हड़बड़ा कर उठा और स्वयं कमान संभाल ली। पहली मुठभेड़ में वो लक्ष्मण पर भारी पड़ा। लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। वो लज्जित होकर लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। वो महाबली था पर 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया। उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। वे उसे रोकने में अक्षम थे। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण ये युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा। फिर दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया सदा के लिए। रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था। वो उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है। वो अनाथ हो गई। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया। मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? मुझे शुद्ध की अनुमति दे। मैं दोनों भाइयों को मार कर आपके चरणों में रख दूंगा। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ।
पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया और इंद्रजीत कहलाया। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी। वो चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास होता ध्वस्त हो जाता। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी, चमत्कृत। उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा। वो घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता थी, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था। मेघनाद महल में ही मारा गया। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, जैमिनी कुमार, सुनील लोहिया और कीमती आनंद, संगीतकार राकेश पंडित, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।